This is the time for lesson from Project Ready, Anushka Das, Sonu Yadav, Sukhi Kumari, Diksha Kumari. संपूर्ण देश में 75वें स्वतंत्रता दिवस की धूम देखी जा रही है। हर भारतीय के लिए ये दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है। लोग स्वतंत्रता दिवस पर सेनानियों द्वारा किए गए त्याग और बलिदान को याद करते हैं। खासकर इस दिन स्कूली बच्चों का उत्साह तो देखते ही बनता है। इसी क्रम में रिमझिम बारिश के बीच मधुबनी जिला स्थित संस्कार भारती ग्लोबल स्कूल फुलपरास में भी बच्चों और शिक्षकों द्वारा सोलास पूर्वक स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आजादी के 75 साल बाद भी कुछ बहुत ही विकराल समस्या हमारी भारत माँ को भूत की तरह भविष्य को जकड़ती जा रही है। जिस दौरान संस्था के अध्यक्ष उपेंद्र कुमार द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी गई। इस महती अवसर पर विद्यालय निदेशक डॉ. विजय रंजन, प्राचार्य एसएन ठाकुर, प्रबंधक निदेशिका डॉ. विजया सिंह, उप प्राचार्य डी. रॉय समेत समस्त शिक्षकगण और सीनियर बच्चे वहां मौजूद रहे। आजादी, आजादी का असली मतलब वही तो हो सकता है जो पहले गुलाम रह चुका है। देश के प्रति आने वाले भविष्य का ये देश प्रेम देख कर वहाँ उनकी सब ने खूब वाहवाही की। बच्चों ने बहुत सारी बातें बताई। स्पेशली हमेशा की तरह जो समाज में होता है, जो देश का नरेशन होता है, वो छोटे छोटे बच्चों का नरेशन होता है। कुछ बच्चों ने असमानता की बात की, कुछ बच्चे ने अशिक्षा की बात की, और इस सारी चीजों के लिए मैंने बताया कि अशीत और अशिक्षित में फर्क होता है। भाषण सभी देखे जाते हैं, सिंगल स्टेप ही उठाते हैं। जैसे के लिए ने बताया कि भ्रष्टाचार से बातें तो सही करते हैं, भ्रष्टाचार से घुसखोरी भ्रष्टाचार नहीं है। आप अपने अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक व्यवहार करते हैं, वो भी एक शिष्टाचार है, भ्रष्टाचार नहीं है। दो बातें यहाँ जब स्वतंत्रता दिवस को लेकर सबसे बड़ी बात कि सारे लोग We have to take
say that it is easy to forget its birth when we have it, but it is difficult to achieve it.